कोविड 19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी। नमस्कार। कोविड के खिलाफ और कोविड से सारी दुनिया परेशान है। आसपास फैल रही सही और गलत जानकारियां वायरस से कहीं ज्यादा डरावनी है। शारीरिक दूरी, फेस मास्क, सेल्फ क्वारंटाइन सुरक्षा के एक नए नारे हैं जो कोविड 19 के कारण 2020 में हर जुबान पर है और शायद आगे भी सुनाई दें। कोरोना को लेकर बहुत से सवाल हैं, बहुत सी भ्रांतियां हैं और बहुत सी फेक न्यूज होती हैं जो अक्सर हमारे सामने आ जाती हैं। उन सबका सवालों का जवाब देने के लिए और आपकी भ्रांतियों को दूर करने के लिए हम रोजाना कार्यक्रम करते हैं कोरोना जागरूकता श्रृंखला, जिसके अंतर्गत हम कोरोना वायरस की वर्तमान स्थिति पर चर्चा करते हैं। और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। श्रोताओं, अब आपकी फोन कॉल्स का इंतजार हमें है। स्टूडियो की फोन कॉल्स खुली हैं। आप टोल फ्री नंबर 1800115767 पर सवाल पूछ सकते हैं। एक और नंबर है जिस पर आप सवाल पूछ सकते हैं, वो है 01123314444 पर। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं डॉक्टर साहब। सब जानते हैं, बहुत सी जानकारियां लोगों के पास है, फेस मास्क पहन रहे हैं, सेल्फ क्वारंटीन रह रहे हैं, सुरक्षित दूरी का पालन कर रखे हैं, और इसके बावजूद अब बात थोड़ी सी और आगे निकल चुकी है। लोग अब वैक्सीन की भी बात करने लगे हैं, टीके की भी बात करने लगे हैं और ये जानना चाहते हैं कि ये जो भी टीके अब विश्व में जिन पे काम चल रहा है और भारत में जो टीके उपलब्ध हो पाएंगे उनमें वो किस तरह से दिए जाएंगे, क्या वो स्वस्थ व्यक्तियों को दिए जाएंगे या जो व्यक्ति कोविड से पीड़ित है उनको दिए जाएंगे। देखिए, अभी तो एक वैक्सीन अभी ब्रिटेन में उसका रेगुलेटरी अप्रूवल मिल गया है, मतलब उसको तुरंत ही शुरू करने वाले हैं। बाकी और वैक्सीन का भी इंतजार है रेगुलेटरी अप्रूवल का, क्योंकि उनके सारे जो रिसर्च हुआ है, ट्रायल्स हुए हैं, उसके आंकड़े पूरा देखने के बाद ही रेगुलेटरी अप्रूवल मिलेगा कि ये काम कर रहा है या नहीं, ये सेफ है या नहीं, इसे कोई नुकसान तो नहीं हुआ है, ये सारी चीजें देखने के बाद रेगुलेटरी अप्रूवल मिल जाएगा। उम्मीद है कि एक से ज्यादा वैक्सीन को रेगुलेटरी अप्रूवल मिलेगा और हमारे देश में भी इस प्रकार के वैक्सीन जो अभी बन रहे हैं और जिनके ऊपर अभी रिसर्च चल रहा है क्लिनिकल ट्रायल्स के ओर से, तो उनमें से भी कुछ न कुछ इसमें कामयाब हो जाएंगे जी। और उनको भी रेगुलेटरी अप्रूवल मिलने की संभावना है जी। इतना जल्दी मिलेगा कहना मुश्किल है जी, मगर जब मिलेगा वो पहले ऐसे व्यक्तियों को दिया जाएगा जिनको ये वायरस लगने का खतरा ज्यादा होता है और उनका जरूरत समाज के लिए बहुत ज्यादा है, उनका काम जैसा भी है कि जैसा कि जो स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करते हैं, डॉक्टर, नर्स वगैरह, स्वास्थ्य क्षेत्र के कर्मचारी जो कोई भी हैं, जो एक तरह से वो सेवाएं पहुंचाते हैं जिन सारे मरीजों को और खास करके कोविड पीड़ित मरीजों को सेवाएं पहुंचाते हैं, तो उनकी आवश्यकता है और मगर उनको खतरा भी है क्योंकि कई सारे मरीजों के संपर्क में आने से, खास करके कोविड पीड़ित व्यक्तियों के संपर्क में आने से उनको भी ये संक्रमण होने का खतरा ज्यादा होता है जी। तो उनके ऊपर काफी ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। बाद में बाकी सेवाएं जो है, अत्यंत सेवाएं जो विशिष्ट सेवाएं जो है, वो जैसा कि सिक्योरिटी सर्विसेज है, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है, एसेंशियल प्रोडक्शन के लिए, इकोनॉमिक प्रोडक्शन के लिए जो आवश्यक है एसेंशियल गुड्स का, तो उनके ऊपर ध्यान दिया जाएगा, उन कर्मचारियों को पहला दिया जाएगा जी। उसके बाद में खास करके जिनको कोविड लगने से ज्यादा बीमारी होने का और जान का खतरा होने का संभावना है, जैसा कि काफी बड़े उम्र के लोगों को या जिनको दूसरे तरह के बीमारियां हैं जैसा कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, दिल का बीमारियां हैं जी, जिन अगर ऐसे व्यक्तियों को अगर कोविड हो जाता है
तो उनमें घातक बीमारी होने का खतरा ज्यादा होता है। तो इसीलिए पहले पहले ऐसे व्यक्तियों को दिया जाएगा। एक वर्ग है जो अत्यंत आवश्यक काम करते हैं और उनको संक्रमण का भी खतरा होता है। दूसरा है ऐसे लोग हैं जो इनको संक्रमण होने से बीमारी ज्यादा होने का खतरा है, उसके बाद में दूसरे लोगों को दिया जाएगा। जी डॉक्टर साहब, कोरोना के बारे में जहां तक लोगों को समझ में आ रहा है, जहां तक पढ़ रहे हैं और जो जानकारियां दी जा रही हैं, कहते हैं कि कोरोना संपर्क में आने से बढ़ता है या दूसरे को फैलता है। ऐसे में देखा गया है कि एक ही घर में किसी एक व्यक्ति को तो कोरोना है, लेकिन बाकी के जो दूसरे व्यक्ति हैं वो उतने संक्रमित नहीं है या वो उनमें संक्रमण बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा क्यों होता है? देखिए, कुछ परिवार में कई लोगों को भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि हर परिवार में एक व्यक्ति को ही होता है, ऐसा नहीं है। कई सारे परिवार हैं जिनमें एक से ज्यादा ही बीमार हो चुके हैं, पर ये भी देखने की बात है कि एक तो उम्र के हिसाब से कुछ लोगों में ज्यादा रेजिस्टेंस होता है, वायरस का संक्रमण होने के बाद भी वायरस का असर उनके शरीर पर नहीं पड़ता है, खास करके युवा लोगों पे। जी। या कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो रोगी हैं उनके बहुत ज्यादा नजदीक नहीं गए होंगे, या सावधानियां उन्होंने बरका होगा कि जैसा कि थोड़ा दूर रखना या मास्क पहन के रखना या हाथ से साफ करना, इस प्रकार के सावधानियों के ऊपर उन्होंने काफी जोर दिया होगा और शायद बीमारी से बच गए होंगे। और दूसरा ये भी है कि घर के माहौल के ऊपर भी आधारित है, अगर घर में काफी खुला हवा चलता है तो ये वायरस ज्यादा देर टिकता नहीं है, वो बह जाता है। तो अगर एक ही कमरे में चार लोग बंद हो और कमरा खुला नहीं है, हवा का प्रसार ठीक से नहीं हो रहा, तो एक दूसरे से संक्रमण होने का खतरा बढ़ता है। अगर खिड़कियां भी खुली हैं, दरवाजे भी खुली हैं और हवा खुला चल रहा है, और तो तब संक्रमण होने का खतरा कम होता है। तो कई सारी चीजें हैं इसके ऊपर ये खतरा आधारित है। डॉक्टर साहब, अगर परिवार में किसी को कोरोना होता है, पता चलता है कि उन्हें कोरोना हो गया है, तो परिवार के बाकी सदस्यों को क्या उपाय करने चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि वो कोरोना से बचे रहें? एक तो जिस हद तक हो सके उस हद तक थोड़ा सा दूरी मेंटेन करना चाहिए। आप जो कहते हैं 2 गज या 3 गज, वो बिल्कुल जरूरी है, उससे ज्यादा भी हो सके तो बेहतर है, क्योंकि संक्रमण होने का खतरा ज्यादा होता है। दूसरा, मास्क पहन के रखना बिल्कुल जरूरी है, बीमार व्यक्ति को भी और दूसरे लोगों को भी, ताकि एक दूसरे से वो थूक ना निकले और उसके जरिए वायरस हवा में काफी फैल न जाए। और तीसरा, जैसा मैंने कहा, खुले हवा का प्रसार होना बिल्कुल आवश्यक है, उस प्रकार का प्रसार हो तो फिर वायरस ज्यादा देर टिकेगा नहीं, अगर एक बीमार व्यक्ति के मुंह से भी निकल जाए या से उनके सांस से निकल जाए तो वो बह जाएगा जी। अगर हवा बहता रहेगा तो जहां तक हो सके। और दूसरा, तीसरी चीज ये है, हाथ अक्सर साफ करते रहें, क्योंकि किसी चीज के ऊपर भी अगर वायरस गिर चुका है तो अगर उसको छूने से वायरस फिर हमारे शरीर में प्रवेश करने का खतरा जब होता है, हाथ बार बार साफ पानी से और साबुन से साफ करना बिल्कुल आवश्यक है। और आखिरी चीज है, एक पौष्टिक आहार खाइए, बीमार व्यक्ति को भी खिलाइए और आप भी खाइए, ताजा फल सब्जी और ये जो नट्स होते हैं तो इस प्रकार के बादाम वगैरह, तो वो उनसे भी काफी आपका इम्यूनिटी बढ़ सकता है, तो इसीलिए वो भी आप आहार के ऊपर भी ध्यान दीजिएगा। जी, सुरक्षित दूरी, अपने आहार पर ध्यान दीजिएगा, मास्क लगा के रखिएगा, ये कुछ जरूरी सावधानियां हैं जिससे आप कोरोना से बच सकते हैं। देश में कोरोना की स्थिति की बात करें तो कोविड के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए संक्रमण के नए मामलों को रोकने में देश ने सफलता हासिल की है, और लगातार 25 दिनों से नए मामलों की संख्या प्रतिदिन 50,000 से कम रिकॉर्ड की जा रही है डॉक्टर साहब, जो कि ये बहुत बड़ी बात है।
इस बीच उत्तर प्रदेश से किशन कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे पहले कॉलर हैं। किशन कुमार जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। स्वागत है जी। नमस्ते। क्या सवाल है आपका? सवाल सर मेरा ये है कि क्या इस कोरोना वायरस को सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है? जी। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि मुझे धूल मिट्टी प्रदूषण से एलर्जी हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो क्या मुझे हो जाएगा तो कितने परसेंट बचने की संभावना है? डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि प्रदूषण की समस्या से ये जूझ जाते हैं, कभी कभी धूल और मिट्टी से इन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है, तो अगर इन पे कोरोना असर करेगा तो कितना करेगा? देखिए अगर आपके फेफड़े सही सलामत हैं, उनमें कोई बीमारी अभी तक नहीं हो चुकी है, थोड़ा बहुत एलर्जी जो नाक बहने वाली एलर्जी है, कभी कभी थोड़ा सा खांसी आने वाली एलर्जी है, तो उससे कोरोना लगने से ज्यादा खतरा अलग नहीं होगा जी। मगर अगर आपके फेफड़े खराब हो चुके हैं, उनमें बीमारी पहले दूसरे कारणों की वजह से हो चुकी है और आपके फेफड़ों का काम कुछ कम हो गया है, तो तब कोरोना का असर ज्यादा पड़ेगा। खाली ये जो नाक बहने वाला एलर्जी से आपको कोई घबराने वाली बात नहीं। गुजरात से हरि भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन के से। हरि भाई कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हेलो। हाँ सर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, क्या सवाल है आपका हरि भाई? सर मेरा सवाल ये है कि ये अभी हमारे देश में तो इतना जल्दी हम कंट्रोल करते हैं क्या है? और दूसरे देश में तो इतना जल्दी कंट्रोल नहीं हो रहा है सर। डॉक्टर साहब ये जानना चाहते हैं कि हमारे देश में बहुत अच्छे तरीके से यहाँ नियंत्रण हो रहा है और दूसरे देशों में ऐसा नहीं हो पा रहा है, क्या कारण हो सकते हैं? देखिए अलग अलग देशों में अलग अलग परिस्थितियां हैं। कुछ देशों में बहुत सर्दी का मौसम ज्यादा रहा है यूरोप में, और जहां पे बूढ़े लोग भी ज्यादा हैं, मतलब जिनका काफी ज्यादा उम्र है, उनका संख्या भी ज्यादा है, तो उनमें ज्यादा खतरा होता है। और कई देशों में ये भी देखा गया कि सरकार कहने पर भी लोग ठीक मास्क नहीं पहने, और उन्होंने कहा कि हम मास्क नहीं पहनेंगे और हम दूरी नहीं रखेंगे, हमें आप कौन होते वो बोलने वाले, तो उन्होंने सरकार के ऊपर खिलाफ उन्होंने अमेरिका में कई जगह इस प्रकार के मुहिम चला दिया उन्होंने, और कुछ यूरोप के देशों में भी उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया कि हमारा हक बनता है, हम जैसा चाहें वैसा चलें और मास्क नहीं पहनने का हमारा अधिकार है, हम स्वयं निर्णय ले सकते हैं। तो इस प्रकार का अगर लोग बर्ताव करें तो वायरस को बहुत आसानी से फैलने का मौका मिलता है। डॉक्टर साहब इस बीच हमारा यहाँ कम से कम थोड़ा सा नियंत्रण में आ गया है, इसलिए कि एक तो हमारे यहाँ थोड़ा सा उम्र के हिसाब से भी लोग कम उम्र वाले हैं यूरोप के मुकाबले से, मगर ज्यादातर सरकार के ओर से और लोगों के ओर से सही कदम उठाए गए हैं। इस बीच राजस्थान के बाड़मेर से जेठमल अपने सवाल के साथ हमसे जुड़ चुके हैं। जेठमल जी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हेलो सर नमस्कार। नमस्कार, क्या सवाल है आपका? मैं जेठमल सिंह बाड़मेर जिला राजस्थान राज्य से। मेरा प्रश्न ये है कि साबुन से हाथ धोने पर कोरोना का जो वायरस है वो किस प्रकार से खत्म हो जाता है? जी डॉक्टर साहब ये जानना चाहते हैं कि साबुन से हाथ धोने पर किस तरह से कोरोना का वायरस जो है खत्म हो जाता है और उसका संक्रमण कम हो जाता है या नहीं रहता है? ये दो प्रकार का असर होते हैं जी।, जी एक तो पानी से धोने पर भी वो बह जाता है हाथों से जी, मगर साबुन का असर एक्स्ट्रा ये होता है कि ये कोरोना का वायरस के ऊपर कुछ चर्बी जैसा फैट का लेयर होता है जी, और साबुन के असर से वो फैट गल जाता है और वायरस नष्ट हो जाता है, तो इसीलिए साबुन का असर भी वायरस को नष्ट करने में है और पानी का असर वायरस को बहा के बाहर निकालने का है हाथों से। डॉक्टर साहब कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आने के कितने दिनों बाद सामान्य रूप से व्यक्ति आम गतिविधियों में शामिल हो सकता है? देखिए वो पहली बात किसी व्यक्ति को कितना बीमारी हुआ है उसके ऊपर भी आधारित है जी। अगर किसी व्यक्ति को बीमारी काफी ज्यादा मात्रा में हुई हो और उनको अस्पताल में दाखिल होना पड़ा, तो उसके बाद में थोड़ा सा ठीक होने के बाद और टेस्ट नेगेटिव आने के बाद
48 घंटे के बाद में ये समझा जाता है कि उनसे कोई और कोई और किसी को संक्रमण होने का खतरा कम है, मगर बाकी जो है शरीर में कितना कमजोरी रह चुका है और कितना जल्दी वो काम पे जा सकते हैं वो अलग अलग व्यक्ति के ऊपर आधारित है। युवा लोग बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं और जल्दी काम पे लौट सकते हैं, कुछ बुजुर्ग लोग ज्यादा समय लेते हैं काम पे लौटने के लिए या पूरा शरीर को स्वस्थ पाने के लिए, तो उसमें थोड़ा सा फर्क पड़ता है। मगर जब जहां तक कि संक्रमण का खतरा है, कोई बीमार व्यक्ति जब ठीक होने के बाद उनसे क्या दूसरे लोग संक्रमित हो सकते हैं, तो वो पूरी तरह बीमारी का लक्षण निकलने के बाद 48 घंटे के बाद वो खतरा कम हो जाता है। डॉक्टर साहब, कोई व्यक्ति कोरोना से ठीक हो चुका है, रिपोर्ट नेगेटिव भी आ गई है, हॉस्पिटल से घर भी आ गया है, उसको अपने खान पान में किस तरह का बदलाव लाना पड़ेगा ताकि वो दोबारा से संक्रमित ना हो पाए इम्यूनिटी की वजह से? देखिए, पौष्टिक आहार बिल्कुल आवश्यक है जी। पौष्टिक आहार दो किस्म के हैं, एक तो इम्यूनिटी बढ़ाने वाले हैं और दूसरा इम्यूनिटी को कम करने वाले दवाएं खाने से दूर रहना चाहिए। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जैसा मैंने पहले कहा, फल सब्जी और नट्स ये ज्यादा काम करते हैं जी, खास करके, और क्योंकि प्रोटीन की भी आवश्यकता है, क्योंकि शरीर में इम्यूनिटी हमारे प्रोटीन्स बनाते हैं, एंटीबॉडीज वगैरह बनाते हैं, तो प्रोटीन्स भी लेना बिल्कुल आवश्यक है। मतलब आप दही वगैरह लीजिए, जैसा भी जो किसी भी रूप में दाल दही इससे भी प्रोटीन मिलता है और प्रोटीन से आपके इम्यूनिटी बढ़ने का भी चांसेस है, और खास ये सारी चीजें लें और थोड़ा सा सूर्य रश्मि में भी लग जाए शरीर को, तो वाइटामिन डी भी बनता है शरीर में जी, तो वाइटामिन डी भी आवश्यक है इम्यूनिटी के लिए। थोड़ा घर से बाहर निकल के जहाँ भीड़ भाड़ में नहीं और बहुत ज्यादा प्रदूषण जहाँ पे हो उस हवा में नहीं, और वैसे थोड़ा सा धूप में चलें तो वाइटामिन डी भी बन जाता है जी। डॉक्टर, इस बीच राजस्थान से जितेंद्र पाल सिंह अपने सवाल के साथ हमारे बीच आ चुके हैं। जितेंद्र जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हेलो हेलो जितेंद्र जी, नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका, क्या सवाल है आपका? सर, मेरा सवाल ये है कि जो ये कोरोना वायरस है जी, ये किस प्रकार का वायरस है? और सर, मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि जुकाम और खांसी नॉर्मली होती है व्यक्ति को, मतलब ऐसा क्या नया है जो किस तरह नुकसान पहुंचाता है ये वायरस? डॉक्टर साहब, ये जानना चाहते हैं कि सर्दी खांसी जुकाम का जो वायरस होता है उससे कोरोना का वायरस कितना भिन्न है और ये इतना घातक क्यों है? देखिए, कई सारे वायरसेस हैं, कुछ बहुत घातक वायरसेस हैं और कुछ कम घातक वायरसेस हैं, जैसा कि पहले एबोला वाला वायरस या एचआईवी एड्स वाला वायरस, ये काफी घातक रह चुके हैं। और सर्दी के कुछ वायरसेस हैं, कॉमन कोल्ड वायरसेस हम कहते हैं उनको, नजला हो जाता है, ठीक हो जाते हैं, कोई खास नुकसान नहीं होता शरीर को, कोई ऐसे घातक वायरसेस नहीं होते। ये कोरोना वाला वायरस बीच में है, वो काफी इन्फेक्शियस है, मामूली सर्दी के वाले जैसा वायरस वाला माइल्ड नहीं है, मगर एबोला एचआईवी जैसा घातक भी नहीं है, ये बीच वाला है ये। तो इससे थोड़ा डर के रहना चाहिए, क्योंकि नया वायरस है और शरीर के विभिन्न अंगों पे इसका असर है, फेफड़ों के ऊपर भी है, दिल के ऊपर भी है, दिमाग के ऊपर भी है, खून के नालियों के ऊपर है, पैंक्रियास के ऊपर भी है, जिससे डायबिटीज भी होता है। तो ये बड़ा अजब सा वायरस है जो शरीर के विभिन्न अंगों पर असर कर रहा है, और उसका असर पहले सोचा जाता था कि 4-5 दिन में या एक हफ्ते में उतर जाएगा, अब ये भी पता चल रहा है कि कुछ महीनों भर तक चल सकता है इसका असर, दूसरे अंगों के ऊपर, फेफड़े में भी फाइब्रोसिस मतलब फेफड़े का खराबी हो सकता है, दिल के ऊपर भी असर पड़ सकता है। तो ये पता चल रहा है कि ऐसा मामूली सा वायरस नहीं है, यह नया वायरस का असर काफी अलग है।
तो इससे थोड़ा बच के रहना जरूरी है जी। मतलब बहुत परेशान होने की बात नहीं है कि ये हर एक को मार देगा, ऐसी वाली बात नहीं है, पर फिर भी ये वायरस क्योंकि अलग अलग हिस्सों के ऊपर असर करता है शरीर में और कभी कभी बहुत ज्यादा बीमारी भी पैदा कर सकता है, तो बच के रहना जरूरी है जी। इस समय आप सुन रहे हैं कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर परिचर्चा और आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी। अगर आप इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं तो आप फोन कर सकते हैं टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर और इसके अलावा 0112331444 पर भी फोन कर सकते हैं। देश के हर कोने से हमारे पास कॉलर जुड़ रहे हैं। इस समय राजस्थान के नागौर से इंदर सिंह अपने सवाल के साथ हैं। जी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार, क्या सवाल है आपका? हमारा सवाल ये है कि जो टीका लगता है बच्चों को तो वो टीके के रूप में अगर एक टीका लगा लिया तो फिर कोरोना नहीं होगा क्या? डॉक्टर साहब ये जानना चाहते हैं ये जो टीके अब आएंगे वो किस तरह से दिए जाएंगे, क्या एक ही टीका लग के इससे कोरोना से मुक्ति मिल जाएगी? देखिए अभी जो टीके लग रहे हैं तो वो कोरोना के संबंधित नहीं है जी, वो बाकी बीमारियों के साथ संबंधित है। पर कोरोना वाले टीके अगर आएंगे, जब आएंगे तो वो अलग टीके रहेंगे और खास करके वो इंजेक्शन लगेगा और दो डोज का इंजेक्शन लगेगा 21 या दिन के बाद में अंतर, मतलब 3 हफ्ते या 4 हफ्ते का अंतर से जी। दो टीके लगेंगे और उससे इम्यूनिटी फिर पैदा होगा शरीर में, ताकि आगे वो वायरस का संपर्क भी हो गया तो उसका उससे बीमारी पैदा नहीं होगा। पर अभी तक जो टीके लग रहे थे वो दूसरे बीमारियों के लिए थे, ये कोरोना के बीमारी के लिए नहीं है। कोरोना के बीमारी के टीके अभी आने वाले हैं जी। डॉक्टर साहब सर्दियों के मौसम में अक्सर हमारी पानी पीने की जो आदत है वो कम हो जाती है, तो पानी किस तरह से पिया जाए, कैसे पिया जाए, उसके साथ कुछ और भी चीज ली जाए ताकि हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाए? देखिए एक तो पानी पीना आवश्यक है क्योंकि खास करके वायरस के बीमारी में पानी भी पीना बिल्कुल आवश्यक है, उससे वायरस का असर कम हो जाता है शरीर में और वायरस अगर गले में भी अटका हुआ है तो पानी के असर से वो बह जाएगा नीचे की ओर, तो उससे भी थोड़ा सा रक्षा मिलता है हमें। और क्योंकि आपने जैसा ठीक फरमाया सर्दी के मौसम में पानी कम ही पीते हैं गर्मी के मुकाबले में, फिर भी पानी बीच बीच में पीना आवश्यक है। अगर थोड़ा सा गर्म पानी पी ले तो और भी बेहतर है, मगर पानी पीना आवश्यक है। जितना प्यास लगता है गर्मी के मौसम में उतना प्यास तो नहीं लगेगा, मगर अक्सर पानी पीने से अगर कम मात्रा में भी पिए तो गला साफ हो जाएगा और शरीर में भी पानी ठीक मात्रा में रहेगा ताकि वायरस के मुकाबले करने में वो भी काम करेगा। इस बीच बलरामपुर से रिंकी तिवारी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं अपने सवाल के साथ। रिंकी जी कार्यक्रम में आपका स्वागत है, क्या सवाल है आपका? जी स्वागत करें नवीन जी, आपको बहुत बहुत नवीन जी नमस्कार। नमस्कार, और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार, तो मेरा क्वेश्चन ये, जैसे अभी आपने परिवार के बारे में पूछा, मैं सुन रही थी रेडियो, तो सर मैंने सुना कि उसमें से परिवार के बारे में आपने बताया कि किसी को संक्रमण होता है या नहीं होता, तो चलिए इसी से रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन है सर। जैसे संयुक्त परिवार होते हैं गांव में हमेशा, तो सर जो रात और दिन का जो भोजन है यानी किसी भी टाइम का, तो सर साथ में बैठ के खाते हैं और आप लोग कह रहे हैं कि समूह से फैलता, तो सर ये क्या है कि इफेक्ट होने के चांसेस हैं? धन्यवाद। देखिए ये हम इसलिए कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को बीमारी हुई तो दूसरों को फैलने का संभावना बढ़ जाता है, खतरा बढ़ जाता है अगर समीप में परिवार के दूसरे व्यक्ति भी हो, और थोड़ा सा दूरी रखना बेहतर है जी। अगर परिवार में एक ही साथ खाने का आदत पहले से बन चुका है, उनमें से कोई भी बीमार नहीं है, तो फिर खा सकते हैं, बैठ के साथ बैठ के खा सकते हैं जी। मगर जब शक हो जाता है कि किसी को बीमारी है या कोई परिवार के सदस्य दूसरे घर में कभी जाके कोई बीमार व्यक्ति से मिल चुके हैं या काम के वजह से किसी बीमार व्यक्ति को मिलना पड़ा उनको, तो तब उस व्यक्ति को
परिवार के दूसरे व्यक्तियों के समीप नहीं आना चाहिए, उनको थोड़ा दूरी रखनी चाहिए जब तक कि ये निश्चित ना हो कि उनको खुद को बीमारी नहीं हुआ है। इसलिए इस प्रकार का सावधानी बरतना बिल्कुल जरूरी है। इस बीच दिल्ली से मिसेस प्रेम गर्ग अपने सवाल के साथ हमसे जुड़ चुकी हैं। कार्यक्रम में आपका स्वागत है जी। क्या सवाल है आपका? हेलो हेलो, क्या सवाल है आपका? हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार सर। डॉक्टर साहब, मेरे दो क्वारी हैं जी। एक जी, तो मैंने N95 मास्क के बारे में बात करनी थी सर जी। कहिए। और दूसरा मुझे ये पता करना है कि वैक्सीनेशन दिल्ली में कब आ रही है जी। डॉक्टर साहब, ये N95 मास्क के बारे में जानना चाहती हैं, क्या N95 मास्क जो है वो पहनना ज्यादा जरूरी है, क्या किसी और भी तरह का मास्क पहना जा सकता है, और वैक्सीनेशन? देखिए, आमतौर से N95 मास्क से ज्यादा तो रक्षा तो मिलती है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि उससे फिल्ट्रेशन ज्यादा होता है वायरस का भी, और प्रदूषण का जो कुछ भी पार्टिकल्स है उसका भी अच्छा फिल्ट्रेशन होता है। मगर क्योंकि N95 का मास्क ज्यादातर अस्पताल में इस्तेमाल किया जाता है, जो लोग ज्यादातर मरीजों के संपर्क में बार बार आते हैं, तो यही कहा गया कि N95 मास्क ज्यादा हॉस्पिटल में काम करने वालों के लिए छोड़ दीजिए, और बाकी आप जो मामूली सा सर्जिकल मास्क जो है उसको पहन सकते हैं, या कपड़े वाला मास्क दो लेयर वाला पहन सकते हैं, और N95 मास्क आपको पहनने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अगर आप पहन ले तो कोई नुकसान नहीं है, मगर बेहतर है कि वो हॉस्पिटल के कर्मचारियों के लिए छोड़ दें, बस वही कहा गया जी। और दूसरा आपने पूछा है कब आएंगे हमारे यहाँ पे टीके, ये कहना मुश्किल है। लगता है कि ये जो एक वैक्सीन जो सीरम इंस्टीट्यूट वाले बना रहे हैं, एस्ट्राजेनेका वाला वैक्सीन ऑक्सफोर्ड वाला, वो जल्द से जल्द ही मेरे ख्याल से वो ब्रिटेन में उसका शायद रेगुलेटरी अप्रूवल मिल जाएगा। जब उसको मिलेगा फिर यहाँ पे हमारे रेगुलेटर भी वो सारे आंकड़े देखेंगे और उसका रेगुलेटरी अप्रूवल शायद देंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पक्का मिलेगा, वो रेगुलेटर के हाथ में है, वो पूरा आंकड़े देखने के बाद वो पूरा, अगर उनको लगता है विश्वास हो जाता है कि ये बिल्कुल काम करता है और सही किस्म का वैक्सीन है, उससे कोई नुकसान नहीं है, तो तब अप्रूवल दे देंगे। मगर उम्मीद है कि वो वैक्सीन शायद 3-4 हफ्ते में उसको भी अप्रूवल मिल जाएगा, उसके बाद में वो लोगों तक पहुंचने का संभावना है। मेरे ख्याल से जनवरी के बीच तक या जनवरी के अंत तक शायद ये लोगों के पास पहुंचना शुरू हो जाएगा। डॉक्टर साहब, भले ही जनसंख्या के लिहाज से हमारे भारत में कोरोना महामारी की रिकवरी रेट और इसकी गिरफ्त में आकर दम तोड़ने वालों की संख्या अन्य देशों से बेहतर हो, इसका असर ये, इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। कोरोना का खतरा अभी पूरी तरह से मौजूद है। आप हमारे सुनने वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे? कहेंगे कि आप थोड़ा सा सावधानी बरतिए और ये सतर्क रहिए, मगर हिम्मत मत खो बैठिए। ये बीमारी ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर हम विजय नहीं पा सकते, जरूर विजय पाएंगे, मगर जब तक ये पूरा बीमारी नियंत्रण में नहीं आएगा तब तक हमें सावधानी बरतना बिल्कुल आवश्यक है, तभी हमें जल्द से जल्दी विजय प्राप्त होगा। डॉक्टर श्रीनाथ रेड्डी, कार्यक्रम में आने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम सवालों का जवाब और भ्रांतियां दूर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है, लेकिन अगर आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी बढ़ाने पर जोर देते हैं तो बहुत हद तक हम इस पर काबू पा लेंगे। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है AIRNHJTalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।